हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ बेलिता कंपनी से आने वाला फिंगर टिप पर्स ऑक्सीमीटर। काफ़ी अच्छा एक ब्रांड की तरफ से आता है ऑक्सीमीटर, जो कि बहुत एक्यूरेट दिखाता है दोस्तों ऑक्सीजन लेवल, कि आपका ब्लड में कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन अभी। तो दोस्तों आपको मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, कितना प्राइस है उसको भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनिटर योर हेल्थ इंस्टेंटली एंड इजीली, जो कंपनी का नाम है बेलिटा। यहाँ पे इसका पूरा ISO लिखा हुआ है, कब से सर्टिफाइड है कंपनी, 2015 से सर्टिफाई है। इसका जो मॉडल नंबर है BPM22, जो कि मॉडल नंबर है। यहाँ पे लिखा है फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि बेलिटा कॉरपोरेशन इंडिया से बनाया गया है। दोस्तों चलिए आपको मैं इसका दिखाता हूँ। दोस्तों इस साइड में आपको देखने को मिलता है स्पेसिफिकेशंस, आप यहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप पूरा स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। दोस्तों चलिए अब आप चलते हैं दूसरी ओर। तो यहाँ पे भी मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको 1 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलता है और इनका कस्टमर केयर का ईमेल ID भी दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया है। दोस्तों साथ में यहाँ पे भी लिखा हुआ है फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर मेजर योर हार्ट बीट, मेजर योर ब्लड ऑक्सीजन, इजी टू यूज, सिंपल इंटरफेस, उस पर लिखा हुआ है। तो इसके जो प्राइस है आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपको यहाँ पे टॉप में दिखने को मिलेगा ये मेजरमेंट करने वाला डिवाइस, तो इसके साइड में रहते हैं। इसके नीचे आपको और भी कुछ देखने को मिलता है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे डिवाइस को टैग करने के लिए एक धागा दिया हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे क्वालिटी का धागा दिया हुआ है। साथ में इसके अंदर आपको एक यूज़र गाइड भी दिया हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों एक नज़र आपको मैं जो पल्स ऑक्सीमीटर का जो यूज़र मैनुअल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो कि जो सेंसर है किस तरह से काम करता है, ग्लो इन्फ्रारेड रे इमिशन ट्यूब, जो कि टॉप साइड में है, और जो नीचे वाला भी है रिसिप्ट ट्यूब दोस्तों, जो कि आपके हाथ से ऊपर से भेज के जिसे रिसीव करता है कि ये किस तरह से ऑपरेशन करता है, दोस्तों आपको मेंशन किया गया है। और दोस्तों पीछे के साइड में दिया गया है कि इसके अंदर पल्स रेट कहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों चलिए आपको मैं डिवाइस दिखाता हूँ कि डिवाइस किस तरह से परफॉर्म करता है। दोस्तों ये रहा डिवाइस, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, जो कि रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे ये पुश करने से माउथ है, ऐसा पुश करने से ओपन होता है। यहाँ पे पावर ऑन करने वाला बटन है, इसके अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलता है और ये पल्स ऑक्सीमीटर बोल के लिखा है दोस्तों। और डाउन साइड में आपको जो बैटरी है इसके अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा है 5 वाट वाला AAA बैटरी इसके अंदर लगेगा। तो बैटरी आपको मैं दिखा देता हूँ बैटरी किस तरह से देखने को मिलता है, ये देख लीजिए दोस्तों AAA बैटरी, जो कि छोटा सा होता है, ये बैटरी इसके अंदर लगता है। तो दोस्तों मैं पहले बैटरी फिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने बैटरी फिक्स कर लिया है, तो यहाँ पे लिखा है 25 वाट 50 एम्पियर का बैटरी इसके अंदर लगता है। और दोस्तों बैटरी लगाते ही ये ऑन हो गया है, इसको दबाने से भी ये ऑन होता है। दोस्तों चलिए पावर बटन दबा के आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मोड दिया गया है। देखिए इसको दबाने से ऑन भी होता है, तो इसको 2 बार प्रेस करने से आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड देखने को मिलता है, मतलब ये इसको रोटेट करता है, मतलब आपको किस तरह से देखना है। जैसे देखिए ये देखिए, आप जिस टाइप पे चाहिए उस टाइप पे आपको देख सकते हैं। अगर मेरे को ऐसा देखना है तो आप ऐसा भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं टेस्ट करता हूँ मेरा फिंगर डाल के। दोस्तों मैंने अपना फिंगर डाल दिया है हार्ट बीट, और मेरा जो हार्ट बीट है वो चेक कर रहा है, साथ में ऑक्सीजन लेवल और हार्ट बीट दोनों देख सकते हो। यहाँ पे लिख रहा है 98 और 101, जो कि 100 जो कि नॉर्मल है। दोस्तों मेरा जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है। इसको बंद करने के लिए आपको इसको ऐसा हाथ बाहर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, आपको इसको बंद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये जो डिवाइस है इसका जो प्राइस है मेरे को पड़ा है
2,500 रुपये, जो कि फ्लिपकार्ट अमेजन के अंदर भी अवेलेबल है डिफरेंट। अब अगर आपको मेडिकल में शॉप में लेना तो वहाँ पे भी ये अवेलेबल होता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा होता है ऑक्सीमीटर दोस्तों। अभी कोरोना टाइम है तो ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए सबसे अच्छा ये जो दिया है पल्स ऑक्सीमीटर घर पे एक होना चाहिए दोस्तों। काफ़ी अच्छा रेट में मेरे को मिला है, जो बॉक्स का रेट है उसी रेट में ही मिला दोस्तों, क्योंकि इसका जो रेट है ऑनलाइन में 3,000 रुपये है, बट आपको ऑफलाइन शोरूम में 2,500 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। इस कोरोना टाइम पे ऑक्सीमीटर हर एक घर में होना ज़रूरी हो गया है। अगर आप हॉस्पिटल में जाके अपना जो पल्स रेट है वो चेक करने से अच्छा है 2,500 रुपये खर्च कर लो और घर पे ही लेके रख लो। बड़े से लेके छोटे आदमी का भी पल्स रेट और ऑक्सीजन जो लेवल है वो चेक करके बताएगा, आपको हॉस्पिटल जाने का चेक करने का ज़रूरत नहीं है, जो कि 101% एक्यूरेट दिखाता है दोस्तों ये पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि बेलिता कंपनी से है दोस्तों, बहुत अच्छा है। अगर आपको लेना तो ले लीजिए, मैं ये रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैंने ब्रांड ने मेरे कोई आइटम भेजा नहीं है, ये मैंने अपना फैमिली के लिए परचेस किया हूँ, तो आपको मैं अपना रिव्यू शेयर कर रहा हूँ कैसा लगा मेरे को इसका दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।